देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक ऐसी राजनीति चली है जिसके कारण अब अपने ही सहयोगियों ने बीजेपी को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों बताएंगे आपको बीजेपी के विरोध में लोकसभा के अंदर 14 सांसदों वाले पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बताएंगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में किस तरीके की होड़ मची पड़ी है और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के फैसले का जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर मायावती ने भी बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता ने आईटी सेल वालों को जमकर फटकार लगा दी है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर है बड़ी अपडेट, बताएंगे बीजेपी और अजीत पवार गुट यानी एनसीपी के बीच में गठबंधन टूटने को लेकर मिल रहे हैं बड़े संकेत। इसके साथ में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गिराकर केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के ऑफर के बीच अखिलेश यादव के ऑफर पर क्या बोले हैं केशव मौर्य, बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कावड़ यात्रा के रूट पर जानबूझकर दुकानदारों को नाम बताने के लिए कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे गैर संवैधानिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली आरएलडी को दो सांसदों को जिताने का मौका मिला। इस बार दो सांसद आरएलडी के हैं। दोस्तों ऐसे में दो सांसद वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हुए सबसे बड़े विवाद यानी कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदार मालिकों और संचालकों के नाम लिखे जाने के निर्देश पर आपत्ति जाहिर की है। राष्ट्रीय लोक दल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राम आशीष राय ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस फैसले को लेकर कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन का दुकानदारों को अपने दुकान का नाम धर्म लिखने का निर्देश देना जाति संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है, प्रशासन इसे वापस ले, यह गैर संवैधानिक निर्णय है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोक दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है दोस्तों, तो माना जा सकता है कि राष्ट्रीय लोक दल के समर्थन के कारण इस तरीके के निर्णय लिए गए हैं। हालांकि राष्ट्रीय लोक दल इसका विरोध करते हुए अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको गठबंधन सरकार से बाहर आना पड़ेगा अगर उन्हें लगता है कि उनको इस फैसले से बचना है तो, वरना माना जाएगा कि राष्ट्रीय लोक दल की सहमति से ही यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को दो सांसद वाले राष्ट्रीय लोक दल ने जोरदार तरीके का झटका देते हुए विरोध किया है, तो दूसरी ओर बिहार से भी 12 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से बड़ी कावड़ यात्रा बिहार के अंदर निकलती है लेकिन वहां ऐसा कोई आदेश नहीं है। केसी त्यागी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसे मानना चाहिए। ये लगाए गए प्रतिबंध प्रधानमंत्री के इस स्लोगन के खिलाफ है, राज्य सरकार इस पर वापस से विचार करे। कुल मिलाकर दोस्तों लोगों ने विरोध किया था, उसके बाद मुजफ्फरनगर वाला फैसला पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन रूट पर लागू कर दिया गया जहां से कावड़ यात्रा निकलेगी। सपा ने बोला है हमला, पराजय से बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी झोंकना चाहती है सांप्रदायिकता की आग। समाजवादी पार्टी ने भी की है टिप्पणी, रामगोपाल यादव ने बयान दिया है। साथ मायावती भी अब खुलकर आई है, उन्होंने कहा कि यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कावड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ व पूरा नाम प्रस्तुत से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक आई है। चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करना और इसका प्रयास किया जाना अति निंदनीय है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी इस पूरे मामले पर अपनी पार्टी के लोगों को सलाह दे रहे थे और कह रहे थे कि हड़बड़ी में लिया गया गलत निर्णय है। इसके बाद उनके ही पार्टी के समर्थकों ने उन्हें अब निशाने पर लेना शुरू कर दिया। दोस्तों इसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी बुरी तरीके से भड़क गए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ अति उत्साहित अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने रैदास जी की पंक्तियों के माध्यम से निशाना साधा है। इसके बाद जब उनको ट्रोल किया गया तो उन्होंने कहा कि अरे ट्रोल टटुओ, कावड़ के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो। मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई भी आस्था असहिष्णुता अस्पृश्यता की बंधक नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने वो तस्वीर शेयर की है जिसमें वो खुद कावड़ यात्रा में शामिल हुए थे। मुख्तार अब्बास अंसारी भारतीय जनता पार्टी के उन पुराने नेताओं में से एक है जिस समय में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा लॉजिकल हुआ करती थी, एकदम सेकुलर रास्ते पर चला करती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व बदला है बीजेपी के लोग एग्रेसिव हिंदुत्व के सहारे और एंटी माइनॉरिटी स्टैंड लेने से भी पीछे नहीं हटते। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि मुख्तार अब्बास नकवी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता धीरे धीरे करके साइडलाइन हो गए हैं। अब वो आए थे कावड़ यात्रा वाले मामले को लेकर टिप्पणी करने के लिए, तो उन्हें ही ट्रोल कर दिया गया। हालांकि उन्होंने उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया है। कुल मिलाकर ये वही लोग होंगे जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले ट्रोलर्स होंगे। साथ साथ महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश में पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारी का जायजा लिया है। दोनों नेताओं ने गुरुवार को पार्टी की प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ एक बैठक की है। 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी रणनीति बना ली है, 150 सीटों पर हमको चुनाव लड़ना है, मतलब बची हुई 138 सीटों पर हो सकता है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। तो अब अपने चाचा को धोखा देकर पार्टी तोड़कर सरकार में आने वाले अजीत पवार की एनसीपी को तगड़ा झटका है। दोस्तों जिस एनसीपी के सहारे अजीत पवार सोच
रहे थे कि बीजेपी के साथ अलायंस करके उनको थोड़े वोट मिल जाएंगे और वो अपने आप को नेता स्थापित कर देंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में लोगों ने बता दिया कि उनका नेता केवल एक ही है और वो है शरद पवार। शरद पवार का मतलब एनसीपी और एनसीपी का मतलब शरद पवार होता है। इसके बाद ना कोई इफ ना कोई बट है। फिर आरएसएस की ओर से उनके मैगजीन में एक बात लिखी गई थी, एक पूरा आर्टिकल लिखा गया था और कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में जब से एनसीपी अजीत पवार के लोग आए हैं तब से पार्टी को नुकसान हुआ है, गठबंधन को नुकसान हुआ है, इसीलिए अजीत पवार को गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों आरएसएस के मुखपत्र में कही गई बात साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की मन की बात आरएसएस ने बोल दी है। तो क्या अब बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते हुए अजीत पवार गुट को अलग जाने के लिए कह रही है दोस्तों? हालांकि खुलकर तो बीजेपी का कोई नेता बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर अजीत पवार एनडीए गठबंधन में रहेंगे और कम सीटें लेकर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर अजीत पवार ज्यादा सीटें मांगेंगे तो साफ तौर पर बीजेपी अब देने को तैयार नहीं है। शायद यही बड़ा कारण है कि 150 सीटों का दावा खुद बीजेपी के लोग कर रहे हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस पार्टी में जो डील हुई है उसे लेकर अब मीडिया में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसके अनुसार 10 सीटों में से 8 सीटें सपा लड़ेगी, बाकी 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जाएगी। किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी दोस्तों? तो इसमें कटहरी की सीट है अम्बेडकर नगर की, वहां पर सपा के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। करहल मैनपुरी की सीट है जहां से सपा के प्रमुख अखिलेश यादव अभी तक विधायक बनकर विधानसभा जाते थे, तो इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो यहां पर अब समाजवादी पार्टी ऑब्वियसली बात है कि चुनाव लड़ेगी। और मिल्कीपुर अयोध्या की सीट जहां से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे अब सांसद बन गए हैं और यहां पर फिर उपचुनाव होने वाले हैं, तो सपा उम्मीदवार उतारेगी। मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट जो पहले भी सपा नेता के पास थी अब भी सपा नेता के पास रहने वाली है और उपचुनाव होंगे। सांसद मांझवा मिर्जापुर की सीट पर सपा अपना कैंडिडेट उतारेगी। सीसामऊ के अंदर कानपुर नगर की सीट पर सपा अपना कैंडिडेट उतारेगी। खैर अलीगढ़ की सीट पर भी सपा का उम्मीदवार उतरेगा और कुंदर की मुरादाबाद सीट पर भी सपा का कैंडिडेट उतरेगा। बाकी जो 2 सीटें हैं उस पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वाया जाएगा दोस्तों। एक सीट है उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद के वर्तमान सांसद विधायक हुआ करते थे अतुल गर्ग यहां से विधायक हुआ करते थे और इस बार इस सीट पर बीजेपी ने 3 मंत्रियों को मैदान में उतारा है ताकि इस सीट पर पार्टी को जीत मिल सके। ये शहरी सीट है दोस्तों। इसी के साथ में प्रयागराज की बात करें तो यहां पर फूलपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पहले विधायक हुआ करता था, तो अब इस सीट पर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी। यानी कांग्रेस पार्टी बीजेपी वाली सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि समाजवादी पार्टी अपनी सारी सीटों पर और एक आरएलडी और एक निषाद पार्टी वाली सीट पर मैदान में उतरी हुई है, बाकी की एक सीट बीजेपी वाली है। तो देखते हैं किस तरीके का नतीजा रहेगा दोस्तों, क्योंकि गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी की स्थिति हमेशा मजबूत रही है। हो सकता है कि यहां पर डॉली शर्मा मैदान में उतर जाएं क्योंकि वो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के नेता अतुल गर्ग के सामने, इस बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर जाए। लेकिन जो भी होगा हाई प्रोफाइल कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड में गड़बड़ी को लेकर विशेष दल से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है दोस्तों। शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर 22 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस योजना को रद्द कर दिया है क्योंकि इस योजना में राजनीतिक चंदे को पूरी तरीके से छिपाकर रखा गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले में अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले याचिकाकर्ता गैर लाभकारी संगठनों कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले का उल्लेख किया था। भूषण ने बताया था कि एनजीओ द्वारा दायर की गई याचिका अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है, फिर कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध किया है और मामले पर आगे आने वाले दिनों के अंदर सुनवाई होगी दोस्तों 22 जुलाई को। देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या आदेश सामने आता है। कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सरकार ने निर्णय लिए थे उस निर्णय को पलटते हुए कोर्ट ने ओवरराइड कर दिया था और उस पॉलिसी को ही पूरी तरीके से उड़ा दिया था दोस्तों। अब इस मामले पर जो भी कार्रवाई आगे होगी आप तक लगातार सारी बड़ी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक और जो अंत में आपको खबर बतानी थी वो ये कि बार बार दिल्ली का दौरा कर रहे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने एक ऑफर दिया था। उनसे कहा था कि आप मानसून का ऑफर स्वीकार करिए, मानसून का ऑफर है 100 लेकर आओ और सरकार बनाओ, यानी 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ, जैसा वो पहले भी कह चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य को ये शायद पसंद नहीं आया तो वो अब अखिलेश यादव पर भड़कते हुए कह रहे हैं कि मानसून का ऑफर 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे फिर कमल की सरकार बनाएंगे। यानी केशव प्रसाद मौर्य लग नहीं रहा कि स्टूल के बाद कुर्सी स्वीकार करेंगे क्योंकि सपा के लोग उन्हें स्टूल मंत्री कहकर पुकारते हैं क्योंकि सबको पता है कि उनका एस्पिरेशन है मुख्यमंत्री बनने का और योगी आदित्यनाथ को अचानक से मुख्यमंत्री बनाए जाने के कारण वो बार बार परेशान हो जाते हैं और मुख्यमंत्री बनने के तमाम कोशिश करते हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के आप सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद।